नमस्कार दोस्तों दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा जिसकी मदद से आप एक स्वाभाविक रूप से चमकती दमकती त्वचा पा सकते हैं, वो भी घर में रखे एक बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही असरदार और बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है जिसकी मदद से आप अपनी त्वचा को स्वाभाविक रूप से वाकई एक चमकती दमकती त्वचा बना सकते हैं और कमाल का गोरापन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपके लिए लाते हैं जबरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, खूबसूरत दिखना सबकी चाहत होती है और बाजार हमारे इस चाहत को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे कई उत्पाद हैं जो आपको कम समय में अधिक खूबसूरती देने का दावा करते हैं। जी हाँ, स्पा ट्रीटमेंट से लेकर कॉस्मेटिक तक हर कोई विकल्प मौजूद है जो आपको रूप निखारने का झूठा दावा करते हैं, लेकिन अक्सर महंगे सौंदर्य उत्पादों में छुपे होते हैं नुकसानदायक तत्व जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। त्वचा विशेषज्ञ के मानते हैं कि बाजार में मिलने वाले जो ये कॉस्मेटिक उत्पादन होते हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा त्वचा को हानि पहुंचाने का तत्व होता है जो हमारे आगे तक हमारे त्वचा में परेशानियां लाके ला सकता है, जो हमें परेशान करती हैं। तो इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय है सिंपल और आसान घरेलू नुस्खे। जी हाँ, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं और कभी आपको हानि पहुंचाएंगे नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही कमाल का जबरदस्त नुस्खा बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए टमाटर। जी हाँ, टमाटर और टमाटर का रस। आप टमाटर का रस निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए दूध। जी हाँ, अब मैं बताता हूँ इसको बनाने की विधि और इसको लगाने का सही तरीका। दोस्तों, सबसे पहले हमें टमाटर का रस लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच हमें डालना है अपना दूध। जी हाँ, सबसे पहले हमें 1 चम्मच टमाटर का रस लेना है अच्छे से। आप थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, 1.5 चम्मच है। इसमें करीब 2 चम्मच हमें डालना है दूध, एक दो। दोस्तों, अब इस मिश्रण को हमें अच्छे से मिलाना है। आप इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाए, इसको आपको फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाना है कॉटन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कब करना क्या है। आपको आराम से हल्के हाथों से कॉटन लेनी है, उसमें उसमें इस मिश्रण को डुबोना है और अपने जहाँ पे स्किन है उसको अच्छे से आपको लगाना है। आराम से इसको गोल गोल करके घुमाएं और अपनी स्किन पर अच्छे से इसको घुमा कर अच्छे से अपनी स्किन को पूरी इसको इस मिश्रण से तर कर लें ताकि आपके त्वचा पर ज़्यादा से ज़्यादा असर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाल सके। दोस्तों, ऐसा करने के बाद, ऐसे लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है और फिर पानी से अच्छे से धो लेना है। दोस्तों, ये क्लिंजर ना सिर्फ त्वचा से तेल निकालेगा बल्कि इससे जो डेड सेल्स होते हैं कोशिकाएं के यानी स्किन के, वो बिल्कुल हट जाते हैं और इससे चेहरे के निशान भी दूर हो जाते हैं, जिसकी मदद से आपका चेहरा बिल्कुल निखर जाता है और एक कमाल का गोरापन हासिल होता है। इसकी मदद से आपका चेहरा निखर जाता है। दोस्तों, बहुत ही कमाल का और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है जिसकी मदद से आपका चेहरा एकदम चमकने दमकने लगता है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है जिसकी मदद से ना जाने कितने ही लोगों ने फायदा उठा चुका है। दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें और अपने स्किन में खुद उस परिवर्तन को महसूस करें। तो
दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी इस बेमिसाल नुस्खे का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। America.